सुनो सुनो, और आप लोगों के लिए शाम के लिए कुछ सरप्राइज भी है। टिकट ले लिया है, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बताओ ये कौन कौन से एनिमल है, जल्दी बताओ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को बब्बी रौतेला का प्यार भरा नमस्कार और पहला। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और हम लोग भी मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और 11 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम रेडी शेडी होके मैं बैठी हुई हूँ और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो एकदम रेडी होके तो आप लोग को बता देती हूँ मैं रेडी कहाँ जाने के लिए हुई हूँ। तो पहले अपना गेटअप दिखाती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि मैं रेडी कहाँ जाने के लिए हुई हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने प्यारी सी साड़ी वेयर की है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो दोस्तों मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे खाली रील्स बनानी है। तो आज इनका ऑफ है, तो और दिन तो टाइम हो नहीं पाता है, तो आज सबको ऑफ मिली है, तो इसीलिए मैं रील बनाने के लिए रेडी हुई हूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो दोस्तों और घर का जितना भी काम था सब हो गया है। तो 11 बजे से थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लेट उठी इसलिए ब्लॉग भी लेट स्टार्ट हो रहा है। तो अब बनाती हूँ रील और आप लोग को भी दिखाऊंगी रील। तो उससे पहले मैं आप लोग को मौसम दिखाती हूँ बाहर का कैसा हो रहा है आज। आज का मौसम तो दोस्तों हल्की हल्की धूप भी है और बादल भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी बादल थे और ये देखिए हल्की हल्की धूप भी आ रही है और हवा भी बढ़िया चल रही है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अब चलते हैं अंदर और मेरी चिल्लर पार्टी क्या कर रही है। ये भैया इतना ठंडा हो रहा है तो एसी क्यों चला रखी है। हाँ ठंडा भी हो रहा है और बेडशीट भी होनी है। तो बच्चों की दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तो ये लोग भी काफ़ी लेट उठे, तो नाश्ता वगैरह करके टीवी देख के एक घंटा अब दोनों अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और लाडो क्या कर रही है? मम्मा मुझे गर्मी लग रही है। वाह गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे लाडो अपना काम कर रही है, बेटू अपना काम कर रहे हैं। और तो दोस्तों मैं यहीं पर रेडी हुई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो एसी के पास बैठी थी और यहीं पर रेडी हो रही थी, तो मेरा सामान यहाँ पर फैला हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो टाइम भी बहुत हो चुका है और फिर दिन का लंच भी बनाना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से रील बनाते हैं और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं रील कहाँ पे बनाती हूँ। चलिए आप लोग को ले चलती हूँ फर्स्ट वाले रूम पे। यहाँ मत देखो, पढ़ाई कर लो। हेलो बोलो। हेलो। बस इतना लंबा सुर लगाने को नहीं बोला था। चलो आप फटाफट से पढ़ाई कर लो। सुनो सुनो सुनो, और आप लोगों के लिए शाम के लिए कुछ सरप्राइज भी है। अभी बड़ी मुश्किल से ऑफ मिला है, तो शाम को है सरप्राइज। पता नहीं इन लोगों की क्या खिचड़ी पक रही है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ जहाँ पे मैं रील बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे बनाती हूँ रील और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं ये ब्लैक वाला कर्टन लगा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेट नहीं करते हैं, फटाफट से रील बनाती हूँ फिर आप लोग को मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों शाम हो चुकी है और मैं दिन में वीडियो अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि रील बनाते बनाते हमें 2:30 बज गए थे, तो उसके बाद खाना बनाने के लिए लेट हो रहा था। तो फिर फटाफट से मैंने खाना ना बनाया और फिर खाना ना खाया, तो रील बना के थक गए थे, फिर सबने थोड़ा रेस्ट किया। तो अब शाम हो गई है, चाय वगैरह पी ली है हम लोग ने और हम लोग देखिए रेडी हो गए हैं। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं दोस्तों वो तो मुझे भी नहीं पता, तो इन्होंने अभी बताया नहीं है हमें, तो सरप्राइज है। तो चलिए देखते हैं कहाँ ले जाते हैं ये हमें, और आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए तो आपको भी पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पहले आधा एक घंटा पहले बारिश भी हुई थी, तो इस वजह से मौसम बढ़िया हो गया है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, और ये देखिए थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। तो हमारे ड्राइवर साहब निकाल रहे हैं गाड़ी। दोस्तों मौसम भी बढ़िया हो गया है और क्या चाहिए, शाम के समय ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो घूमने में भी ज्यादा मजा आएगा। कहाँ जा रहे पापा? बता दो पापा। इको गार्डन। इको गार्डन बता दो। इको गार्डन। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं इको गार्डन, तो इन्होंने मुझे अभी तक बताया नहीं था, तो बच्चों को पहले बता दिया। तो इको गार्डन कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है इको गार्डन और हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कैसा है पता नहीं, चलिए वहाँ जाके पता चलेगा कैसा है। तो आप लोग भी बने रहिए यार,
जा तो रहे हैं, इको गार्डन कैसा है कुछ आइडिया है? तो आपने स्केट क्यों रखे? सचिन ने मुझे बताया था कि वहाँ पे स्केटिंग के लिए अच्छा है ना। कौन सचिन? हमारे नीचे वाला। अच्छा, तो बच्चों ने मतलब एकदम छानबीन कर लिया। वो लोग कब गए? गए तो उसके चाचा के साथ। अच्छा, तो देखो दोस्तों हमारे यहाँ से इतना पास है, 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और सभी लोग चले गए और हम लोग अब जा रहे हैं 2 साल बाद। तो चलो कोई नहीं, फाइनली जा तो रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा है, क्या क्या करते हैं बच्चे वहाँ जाके। ये देखिए दोस्तों, आधा एक घंटा पहले बारिश हुई थी और 10-15 मिनट की बारिश में कितना पानी भर गया है यहाँ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, वो है इको गार्डन। तो हमें आते आते काफ़ी लेट हो गया है, तो ये बोल रहे थे कि शाम के समय ही बढ़िया लगता है, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों पहले हम लोग आ गए हैं टिकट लेने, तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया है, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, लेकिन जैसे ना थोड़ा और पहले आते तो और बढ़िया आता। देखो उस साइड कोई बढ़िया है, इसे कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये यहाँ पे फवारा भी आता होगा। अच्छा, इसी नेट के नीचे ये है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से लास्ट तक नेट लगा रखी है और इसके अंदर छोटे छोटे पौधे हैं, ये देखिए। और ये बेलें कहाँ से आ रही है? बाहर साइड से? नहीं, साइड में लगाई है। और साइड में बेल है, तो पूरा नेट को कवर किए हुए हैं यहाँ से, ये देखिए। और लाडो देखो भाग गई। फिर बताओ ये कौन कौन से एनिमल है, जल्दी बताओ। ये है हिप्पो। और वो है पता नहीं कौन। डियर। डियर पीछे। और हिप्पो और लायन। कहाँ है लायन? वो देखो। और सबसे आगे क्या है ये? क्या सबसे आगे क्या है ये? टर्टल। टर्टल टोर्टल। क्या है प्रिंस? मैं बताऊंगी, मैं भी बता। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर पार्क है। तो हमें पता नहीं था कि इतना सुंदर पार्क है हमारे कैंपस के पास में, तो गलती करी हम लोग लेट आए। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों आप लोग को डे लाइट में दिखाऊंगी पूरा ये पार्क, तो अभी जितना मैं कैप्चर कर पाती हूँ उतना दिखाती हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा चीज़ तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, देखने के लिए दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है अंधेरा हो गया है लाइट की, उससे मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो जितना मैं दिखा सकती हूँ आप लोग को दिखा रही हूँ, तो फिर देखते हैं कब मिलता है मौका आने का, तो फिर आप लोग को डे लाइट में दिखाऊंगी पूरा पार्क, बहुत ही सुंदर पार्क है। देखिए यहाँ भी अंधेरे में भी लाडो की मस्ती एकदम चालू है, देखिए कहाँ चढ़ी हुई है, ये देखिए। ये यहाँ के जानवरों को देख के ना, तो ये भी जानवर बन गई है। कौन सा जानवर बनी हो? कौन सा? बंदर। बंदर कैसा करता है? तो देखिए दोस्तों आगे है जिराफ, तो हम लोग दिन में आते तो बड़ा मजा आता है यार, बच्चों के खेलने के लिए भी जाता। और हम लोग स्केट वगैरह लेके आए थे, लेकिन आज बारिश हुई थी तो इस वजह से कहीं कहीं पर पानी है, तो स्केट करने जैसा है नहीं। तो बेटू हो गया नाराज है? एक जानवर यहाँ भी है। कहाँ है? आप कौन सा जानवर हो? मैं ये भैया कंफ्यूज रहता है, टाइगर है या एलिफेंट। मेरा फेवरेट एनिमल। फेवरेट एनिमल एलिफेंट है। मम्मी है बंदर।
देखो यहाँ देखो ये देखिए दोस्तों दीवार में मंकी भी आ गया है। मंकी नहीं मंकी। हाँ मंकी मंकी हम लोग ने घूम लिया है पूरा पार्क, तो बहुत बड़ा पार्क है, घूम घूम के थक गए हैं, अब जा रहे हैं घर को जयपुर से। तो बच्चे लोग चले गए हैं आगे, लाडो खूब परेशान हो गई है पैदल चल चल के, तो अब निकलते हैं घर को। तो दोस्तों चलिए बाहर निकल गए हैं, कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रही है अंदर घूमते घूमते, और हम लोग पानी भी नहीं लेके गए थे। तो अब पहले खाते हैं आइसक्रीम, ज़्यादा ठंडी भी पी नहीं पाएंगे यार। दुकान खराब हुए तो दोस्तों लाडू ने तो ले लिया आइसक्रीम, दिखाओ डंडी तो छोटी है, और बेटू को खाना है भेल पूरी। और दोस्तों पानी प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी, आते ही एक बोतल पूरी ख़त्म कर दी पानी की। तो अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं पानी पूरी खाने के लिए, तो चलिए मटके का पानी पूरी टेस्ट करते हैं। ये कौन कौन से पानी है भैया? अच्छा तो चार वैरायटी के हैं पानी, तो चलिए खाते हैं गोलगप्पे। जहाँ रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः।